नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीबी न्यूज़ और मैं हूं ममता। जातिगत भेदभाव के चलते मकान तोड़े जाने के संबंध में सुजालपुर एसडीएम से मिला पीड़ित परिवार। गिगला खेड़ी तहसील अवंतीपुर बड़ोदिया निवासी कमल मालवीय ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जातिगत भेदभाव के चलते उनका मकान प्रशासन ने तोड़ दिया है। कमल मालवीय का कहना है था कि गिगला खेड़ी में वह 40 वर्षों से निवास कर रहे हैं, साथ ही कब्जा रसीद व बिजली का बिल साक्ष्य होने के प्रमाण उनके पास है, इसके बावजूद प्रशासन उनका घर तोड़ दिया है। पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है न्याय के लिए। कमल मालवीय ने बताया कि अगर प्रशासन उनकी मांग को नहीं मानता है तो वह संपूर्ण परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। वहीं गांव में आधे से ज्यादा आबादी शासकीय भूमि पर निवासरत है, लेकिन मकान सिर्फ कमल मालवीय का तोड़ा गया है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोला और बोल दिया ज्यादा। हम तो बोले कि तुमसे बने जो करो, एसडीएम साहब ने ये अंतिम शब्द दिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो आपके साथ न्याय नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसके न्याय नहीं होता है सर, तो हम मैं पूरे परिवार के सहित आत्मदाह करेंगे, कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करेंगे और इसका जिम्मेदार पूरा शासन प्रशासन रहेगा। बिगला खेड़ी के कमल मालवीय का जो घर टूटा है, तहसीलदार साहब द्वारा तोड़ा गया था, उसको लेकर के एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। अभी एसडीएम साहब से जब मिले हम, तो ज्ञापन के माध्यम से सारी घटना माननीय एसडीएम साहब को बताई गई है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं लिखवाता हूँ, लेकिन हमें उनकी बात से संतुष्ट नहीं हो पाए कि हमारे परिणाम तक पहुँचेंगे, क्योंकि शासन के जो अधिकारी कर्मचारी उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, इसलिए वो हमारी गरीब लोगों की बात मानने के लिए स्वीकार नहीं है। वो लड़ाई आप और हमें सभी को मिलकर लड़ना है। अच्छा, इनका मकान कब तोड़ा गया? अभी 4-5 दिन पहले तोड़ा गया है। चार पाँच तारीख को तोड़ा गया है, लेकिन अभी तक जो 50 मकान वहाँ बने हुए हैं उसके बारे में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि वो दमंग लोगों के हैं। एक गरीब आदमी का जो कच्चा मकान था, जो ईंटें जमी थी, चद्दर जमी थी, वो तोड़ दी गई है, और जो पक्के डबल पोर्शन में मकान बना है उसके लिए कोई प्रशासन तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। वो माननीय और कल हम कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे उस बात से कि ये स्थिति शाहजहाँपुर जिले में चल रही है, और कलेक्टर साहब भी अगर हमारी बात नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग सब रोड पर आएंगे, धरना आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन हक अधिकार की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंधल है, मैं प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी का शाहजहाँपुर जिले में काम कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष के रूप में।